बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम आज के लेक्चर में ऑडिट ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस यानी आमदनी और अखराजात के ऑडिट के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका स्कोप क्या है। हम इसको ब्रॉडली दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। एक्सपेंसेस में बुनियादी तौर पे एक्सपेंसेस को भी हम तीन हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है परचेजेस, यानी उन चीज़ों की ख़रीद जिनको बाद में आपने कन्वर्ट करके या फरोख्त करके आपने आमदनी करनी है। तो हम परचेजेस को हमने अपने पिछले लेक्चर में ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के अंदर कवर कर लिए। उसके अलावा दूसरा हिस्सा है माइनर एक्सपेंसेस, छोटे मोटे अखराजात, चाय का, छोटी मोटी ट्रांसपोर्ट का, छोटी मोटी स्टेशनरी का। इनको नॉर्मली पेटी कैश में से पे किया जाता है। तो इसको हम अपनी कैश ट्रांजैक्शन ऑडिट के तहत लेक्चर नंबर 5 में कवर कर चुके हैं। उसके अलावा जो दीगर एक्सपेंसेस बचते हैं, अदर एक्सपेंसेस, उनको हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। रेवेन्यूज यानी आमदनी, इनको भी हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक तो आमदनी होती है सेल्स ऑफ दोज गुड्स जिसमें कि आप नॉर्मल कारोबार करते हैं। इसको हम अपने पिछले लेक्चर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में कवर कर चुके हैं। सेल्स के अलावा अगर कंपनी को कोई आमदनी होती है, मिसाल के तौर पर रेंट इनकम या कमीशन इनकम या इंटरेस्ट इनकम, तो उसकी ऑडिटिंग के तरीक़ाकार को हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। अब हम आते हैं एक्सपेंसेस के। एक्सपेंसेस हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर ऑर्गेनाइजेशन में उसके साइज़ या टाइप के लिहाज से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं। ब्रॉडली वेजेस एंड सैलरीज, इंश्योरेंस प्रीमियम, यूटिलिटीज़, कमीशंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, बैंक चार्जेस, बैड डेट्स यानी कि वाजिबात को जो राइट ऑफ कर दिया जाता है, डेप्रिसिएशन या डायरेक्टर्स की तनख्वाह। हम इनको एक एक करके चेक करेंगे। अब हम आते हैं सबसे पहले वेजेस एंड सैलरीज की तरफ। नाउ परचेजेस के बाद मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे बड़ा खर्च होता है वो वेजेस एंड सैलरीज पे होता है, लिहाजा ये बहुत अहम खर्च है और इसकी ऑडिटिंग के बारे में और इसके इंटरनल कंट्रोल के बारे में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। वेजेस एंड सैलरीज के बारे में जो इंटरनल कंट्रोल इंस्टीट्यूट किया जाएगा उसके मकासद क्या होने चाहिए। पहला मकसद तो यह है कि जो भी पेमेंट हो वो असल काम करने वाले हकीकी और सर्विंग एम्प्लॉय को हो और सही और मजाज रेट पर हो, यानी ऑथोराइज रेट पर हो। दूसरी बात यह है कि जो पेमेंट भी की जाए वो किए जाने वाले काम के रिकॉर्ड या वक्त के रिकॉर्ड के मुताबिक हो। देखिए ना, पेमेंट आमतौर पर दो तरीक़ों से की जाती है। या तो कोई जितना काम करता है, मिसाल के तौर पर दर्जी को जितनी वो कमीशन देता है आप उस हिसाब से पेमेंट करते हैं, 40 रुपये फ़ी पीस या समथिंग लाइक दैट, या फिर आप पेमेंट करते हैं वक्त के लिहाज से, फ़ी घंटे के हिसाब से पेमेंट करते हैं या फ़ी दिन के लिहाज से। लेकिन जिस भी तरीक़ेकार से पेमेंट की जाए उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो इंटरनल कंट्रोल का एक ऑब्जेक्टिव यह है कि जो काम का रिकॉर्ड रखा गया है या जो वक्त का रिकॉर्ड रखा गया है, जो भी पेमेंट की जाए उस रिकॉर्ड के मुताबिक हो। तीसरा ऑब्जेक्टिव यह है कि पेरोल यानी वो शीट जिसके मुताबिक पेमेंट की जाएगी उसे सही तरीके से प्रिपेयर किया जाए और उसे एक मजाज ऑफिसर, एक बाख्तियार ऑफिसर उसको ऑथोराइज करे। चौथा ऑब्जेक्टिव यह है कि तनख्वाह में से जो कानूनी या दीगर कटौतीज़ होती हैं, मिसाल के तौर पे इनकम टैक्स कटता है, सोशल सिक्योरिटी फंड, प्रोविडेंट फंड, NSSF, इस तरह की जो डिडक्शंस या कटौतियाँ होती हैं वो सही तरीके पे की जाएं और जब वो डिडक्ट कर ली जाएं तो एक मुनासिब वक्त के अंदर अंदर जो भी प्रिस्क्राइब कानूनी तरीका है उस वक्त के दौरान ही वो अप्रोप्रिएट जगह पे भेज दी जाएँ। मिसाल के तौर पे अगर आपने इनकम टैक्स डिडक्ट किया है तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 2 या 3 दिन के अंदर अंदर अदा हो जाए। अगर आपने प्रोविडेंट फंड डिडक्ट किया है तो वो प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए। अगर आपने EOBI की डिडक्शन किया है तो वो EOBI को भेज दी जाए। अगला ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी पेमेंट हो रही है उसके प्रॉपरली अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाए। यहाँ मैं बताता चलूँ कि वेजेस और सैलरीज़ की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मुख्तलिफ कंपनीज़ में बहुत मुख्तलिफ हो सकती है। कुछ वेजेस ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट कॉस्ट गिनी जाती हैं, कुछ वेजेस जो होती हैं वो इनडायरेक्ट कॉस्ट गिनी जाती हैं। मिसाल के तौर पर जो फैक्ट्री वर्कर्स को पेमेंट करते हैं वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैनुफैक्चर में चार्ज होती हैं, जबकि जो मेंटेनेंस स्टाफ को आप पेमेंट करते हैं वो हो सकता है कि डायरेक्ट वेजेस में ना जा रही हूँ बल्कि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस में जा रही हूँ। इसी तरह सैलरीज, कुछ सैलरीज जो हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसिस, फॉर एग्जाम्पल आप सेल्समैन की को जो पेमेंट करते हैं या कमीशन की जो पेमेंट करते हैं वो सीधी सेल्स को चार्ज होती हैं, जबकि बाकी जो सैलरीज हैं ऑफिस स्टाफ की, अकाउंटिंग, कंप्यूटर वगैरह की, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं। तो इसका रिकॉर्ड में एहतियात करना बहुत ज़रूरी है ताकि कॉस्ट की सही एलोकेशन हो। इन मकासद को हासिल करने के लिए, जो वेजेस एंड सैलरीज कंट्रोल के जो मकासदों को हासिल करने के लिए हम क्या इकदाम उठाएंगे,
पहला स्टेप तो यह है कि जहाँ तक मुमकिन हो सके एक सेपरेट पर्सनल डिपार्टमेंट या जिसे एचआर डिपार्टमेंट कहते हैं, एक सेपरेट एचआर डिपार्टमेंट होना चाहिए जो कि तमाम एम्प्लॉयज़ के अमूर को की देखभाल करे और एम्प्लॉय रिलेटेड जितने रिकॉर्ड हैं उनकी पर्सनल फाइलें, उनकी टाइम शीट्स, उनकी प्रमोशन, उनके रिकॉर्ड्स, सारे रिकॉर्ड्स वो रखे। उससे ये है कि सारा कंट्रोल एक जगह आ जाता है और कंट्रोल में आसानी होती है। दूसरा अहम कदम यह है कि एक ह्यूमन रिसोर्स मैनुअल या पर्सोनल मैनुअल होना चाहिए जिसमें कि हर काम का तरीक़ाकार पहले से लिख दिया गया हो और हर काम किया अप्रूवल का लेवल जो है वो तय कर दिया गया हो, यानी कौन हायरिंग करेगा, किस लेवल का बंदा, हायरिंग के प्रोसीजर क्या है, पे रेट कैसे फिक्स होंगे, दूसरे बेनिफिट किस किस लेवल के एम्प्लॉयज़ को कौन कौन से बेनिफिट मिलेंगे, डिसमिसल का तरीक़ाकार क्या होगा, कौन अप्रूव करेगा, रिटायरमेंट किस एज पे होगी, कौन रिटायरमेंट के डॉक्यूमेंटेशन ऑथराइज़ करेगा, और मुख्तलिफ स्टेप्स की अथॉरिटी लेवल चाहे वो पहले से डिफाइन हों ताकि जो भी एचआर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हों, तनख्वाह बढ़े घटे, इधर चार्ज हो उधर चार्ज हो, इतनी पेमेंट हो, वीकली पेमेंट हो या मंथली पेमेंट हो, तो वो प्रोसीजर के मुताबिक और उस प्रोसीजर ऑलरेडी रिटर्न हो, यानी कि यहाँ पे कोई आदमी अपनी मर्ज़ी के इकदाम ना कर सके। नेक्स्ट स्टेप ये है कि पर्सनल रिलेटेड एम्प्लॉयज़ से वाबस्ता जितने भी फैसले हैं या जितने भी इकदाम हैं वो हमेशा तहरीर में होने चाहिए, ऑल अप्रूवल्स ऑल डिसीशंस हमेशा राइटिंग में हो। हायरिंग है अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए, ओवर टाइम है राइटिंग में ऑथोराइजेशन होना चाहिए, ज़ुबानी नहीं, किसी का पे रेट आपने चेंज किया, किसी को आपने एडिशनल बेनिफिट दिया या कोई बेनिफिट विड्रॉ किया, ये तमाम बातें राइटिंग में होनी चाहिए ताकि इनका सबूत हो और वेरिफिकेशन हो सके। एक और अहम बात यह है कि जो भी बंदा काम कर रहा है उस अगर उसे काम के हिसाब से पेमेंट हो रही है तो उसके काम का रिकॉर्ड, और अगर पीस रेट के हिसाब से हो रही है तो जो पीस वर्क का रिकॉर्ड, मिसाल के तौर पर आपके पास मजदूर हैं जो फर्ज कोई पैकिंग कर रहे हैं और उनको आप फी डज़न के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं तो उनका पीस रेट का रिकॉर्ड होना चाहिए, और अगर आप वर्कर्स को मज़दूरों को मिसाल के तौर पर अगर आप टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं घंटे के हिसाब से या दिन के हिसाब से तो उनका टाइम कार्ड या कोई टाइम रजिस्टर होना चाहिए ताकि जिस वक्त आप पेमेंट कर रहे हों तो किसी चीज़ से वेरीफाई कर सकें, और ये जो भी रिकॉर्ड है उसे कोई ज़िम्मेदार ऑफिसर जो है वो चेक करे, वेरीफाई करे, उस पर दस्तखत करे कि भाई मैंने चेक कर लिया है। एक अहम नुक्ता ये है कि जब भी किसी वर्कर को अगर आप टाइम के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं और आप उसे नॉर्मल टाइम से ज़्यादा काम करने को कहते हैं, यानी ओवर टाइम का कहते हैं, तो ओवर टाइम की ऑथराइजेशन ओवर टाइम से पहले होना चाहिए। ये नहीं कि कोई बंदा दूसरे ना के क्लेम करे जी कल मैंने 6 घंटे ओवर टाइम किया था मुझे उसकी पेमेंट कर दें। हमेशा ओवर टाइम की अथॉरिटी जो है किसी मजाज ऑफिसर, एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर वो अथॉरिटी दे और वो ओवर टाइम करने से पहले दे, ये चीज़ प्रोसीजर मैनुअल में लिखी होनी चाहिए। जहाँ तक मुमकिन हो सके जो स्टाफ पेरोल प्रिपेयर करता है यानी वेजेस शीट वगैरह प्रिपेयर करता है वो कैश ना हैंडल करे और वो फैक्ट्री वर्कर्स के साथ उसका रबता ना हो, वरना मिली भगत का इम्कान रहेगा और फेक और बोगस सैलरी पेमेंट का इम्कान रहेगा। एक और तरीक़ाकार ये है कि एट रेगुलर इंटरवल्स हर 2 महीने बाद या हर 2 हफ्ते बाद जैसी भी ऑर्गेनाइजेशन की नेचर हो एक इंडिपेंडेंट कंपेरिजन होना चाहिए कि जो पेरोल का रिकॉर्ड है यानी जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड है पेमेंट्स वगैरह का और जो पर्सनल रिकॉर्ड है जो कि एचआर डिपार्टमेंट में या पर्सनल डिपार्टमेंट में है उनको गाए गाए कंपेयर करते रहना चाहिए ताकि पता चले कि सही बंदों को सही रेट पे पेमेंट हो रही है, कोई बोगस या डमी वर्कर्स तो नहीं इन्वेंट कर दिए गए या रेट से ज़्यादा की पेमेंट तो नहीं हो रही। जब आप एक्चुअल पेमेंट पे आएँ तो ये एक अलहदा काम है, इसके लिए आपको इंटरनल कंट्रोल मेजर्स अख्तियार करने चाहिए सेपरेटली। जहाँ तक मुमकिन हो सके तनख्वाहें यानी रेगुलर सैलरीज जो हैं जहाँ तक मुमकिन हो सके वो बैंक के थ्रू पे करनी चाहिए। इसके सबसे बड़ा बात तो ये है कि उसका सबूत होता है, उसमें कैश हैंडलिंग नहीं होती तो वो रिस्क ख़त्म हो जाता है, पेमेंट आपको पता है किसको गई है और अगर कोई गलती हो जाए तो उसको दुरुस्त करने का मौका रहता है क्योंकि बैंक के थ्रू गई है, अगर एक दफ़ा कैश पे कर दी जाए तो फिर मसले होते हैं। दूसरा स्टेप जो आप इंटरनल कंट्रोल के लिए लेंगे वेजेस के पेमेंट पे कि जो जब कैश बैंक से विड्रॉ करके दफ्तर लाया जाए और दफ्तर में लाकर रखा जाए और उसकी पेमेंट की जाए तो इस सारे दौरानिए में स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी होनी चाहिए ताकि चोरी ना हो, मिसअप्रोप्रिएशन ना हो, कोई गुम ना हो जाए या वो जल ना जाए या ख़राब ना हो जाए, तो इसकी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी होनी चाहिए। तीसरा इकदाम जो है कि जब आप बैंक से पैसे लेने जाएँ तो एग्जैक्टली उतने ही नोट विड्रॉ करें जितनी की ज़रूरत है। देखिए जब आप पेमेंट के लिए करें तो आप पहले एक लिस्ट बना लें कि आपको
इन वर्कर्स को पे करने के लिए कितने हज़ार रुपए के नोट चाहिए होंगे, कितने 500 रुपए के नोट चाहिए होंगे, कितने 100 रुपए के नोट चाहिए होंगे, कितने 50 रुपए के या 20 रुपए के या 10 रुपए के नोट चाहिए होंगे, और इनकी आप पहले से अगर लिस्ट बना लें तो एग्जैक्टली उतने ही नोट बैंक से लेके आए, उससे कंट्रोल बेहतर हो जाता है और उसमें गलती का इम्कान नहीं रहता, बिकॉज एग्जैक्टली आपके पास उतने ही करेंसी नोट्स हैं जितने आपने पेमेंट करनी है। जब पेमेंट कर रहे हों तो आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बाज़ औक़ात बहुत ऑर्गेनाइजेशन में 300-400 मजदूर होता है और पेरोल का स्टाफ जो है वो हर मज़दूर को ज़ाती तौर पे नहीं पहचानता, इसलिए ज़रूरी है कि जब बंदे ये वेजेस लेने आएँ तो उनके पास कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन का तरीका हो, चाहे एक स्टाफ कार्ड हो या आइडेंटिटी कार्ड हो। अब अक्सर ऐसा भी होता है कि बाज़ वर्कर तनख्वाह वाले दिन तनख्वाह लेने नहीं आते, किसी वजह से वो वक्त पे नहीं पहुंच सकते, तो एंड ऑफ द डे कुछ वेजेस अनक्लेम्ड रह जाती हैं। अब इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर डिवाइस करना चाहिए कि अनक्लेम्ड वेजेस के साथ क्या किया जाएगा। एक तरीकेकार तो यह कि अनक्लेम्ड वेजेस पेरोल सेक्शन से निकाल के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में या कैश सेक्शन में चली जाएँ, किसी और ऑफिसर के पास चली जाएँ, इसके बाकायदा तहरीरी तौर पर रिसिप्ट लिखी जाए और जब वो बंदा लेने आए तो स्क्रूटनी हो कि वाकई वही बंदा था, वो क्यों नहीं लेने आया, तब उसकी पेमेंट हो। इसका एक रिटन डाउन प्रोसीजर होना चाहिए ताकि इसमें गलती का इम्कान ना हो। अक्सर देखा जाता है कि जितने घोस्ट वर्कर्स होते हैं, यानी वो वर्कर्स जो वर्क मतलब जिन्होंने काम नहीं किया लेकिन पेरोल में नाम डाल दिया गया, उनकी वेजेस अनक्लेम रह जाती हैं और बाद में कुछ लोग मिसअप्रोप्रिएट कर लेते हैं, तो बेस्ट ये है कि इसका पूरा रिटन डाउन प्रोसीजर हो। एक और कदम यह है कि सरप्राइज चेक्स हों, यानी एक बड़ा जिम्मेदार ऑफिसर, चीफ अकाउंटेंट या कोई और बंदा, विदाउट अनाउंसमेंट जब पेरोल की पेमेंट हो रही हो तो वो अचानक आके देखे कि अभी पेमेंट सही हो रही है, दस्तखत लिए जा रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन हो रही है, पेरोल की एंट्रियाँ सही हैं, तो सरप्राइज चेक का जब भी लोग वर्कर्स को पता होगा कि सरप्राइज चेक्स हो सकते हैं तो वो खुद ही गलती से भी और फ्रॉड से भी इज्तनाब करेंगे। अब हम आते हैं कि वेजेस और सैलरीज को ऑडिट कैसे किया जाए। अब तक तो हम इंटरनल कंट्रोल पे थे, अब हम आते हैं कि इनको ऑडिट कैसे किया जाए। पहला तरीका यह है कि चंद इम्प्लॉयज़ को टच चेक बेसिस पे चंद इम्प्लॉयज़ को आप पिक कर लें और उनके रिकॉर्ड को पूरी डिटेल में चेक करें, यानी उनका रिकॉर्ड देखें कि एचआर डिपार्टमेंट का क्या रिकॉर्ड है, अपॉइंटमेंट लेटर है, ट्रांसफ़र लेटर है, प्रमोशन लेटर है, रेट सब चीज़ें हैं। फिर उसके अब देखें जब जितनी भी उनको पेमेंट्स हुई हैं साल भर में, 12 महीने की या 52 हफ्तों की, तो उनकी पेमेंट्स देखें कि उनका पेरोल चेक करें कि वो पर्सनल डिपार्टमेंट में जो कुछ लिखा हुआ उसके मुताबिक है, मतलब अगर ये ग्रेड 5 का एम्प्लॉई है तो ग्रेड 5 की पेमेंट्स हुई हैं उसको, इसका अगर वीकली रेट या मंथली रेट या आवरली रेट से 22 रुपये पर घंटा है तो पेमेंट 22 रुपये घंटे के हिसाब से हुई है, उसे डिटेल में चेक करें। फिर ये देखें कि इसकी हायरिंग जो थी वो तरीक़ेकार के मुताबिक हुई है, किसी सही बंदे ने ऑथराइज़ की है, इसका जो रेट फिक्स हुआ है वो सही फिक्स हुआ है, उसने जो नॉर्मल काम किया है या ओवर टाइम किया तो उसका रिकॉर्ड बराबर है, और जो उसको एक्चुअल पेमेंट्स हुई हैं वो भी सही बंदे ने ऑथराइज़ की थी, यानी उन चंद एम्प्लॉयज़ के बारे में आप हर एंट्री को पूरी डिटेल के साथ चेक करेंगे। और अगर इस चेकिंग के दौरान आपको लगता है कि इसमें बहुत गलतियां हैं या काफ़ी लैप्सेस हुई हैं तो फिर आप तमाम एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड डिटेल में चेक करेंगे। दूसरा स्टेप आप ये लेंगे कि आप कुछ अरसे का पेरोल उठाएं, मिसाल के तौर पर अगर वीकली पेरोल है तो 52 हफ्तों के बजाय उसमें से सिर्फ 2 या 3 हफ्ते पिक करें और उन 2-3 हफ्तों का जो पेरोल है उसे आप पूरी डिटेल के साथ चेक करें, पूरी डिटेल में उसकी हर एंट्री को, जहां से वो शुरू हुई है वहां से लेके जहां तक वो ख़त्म होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप टाइम पे पेमेंट करते हैं तो टाइम कार्ड देखें, उसमें दस्तखत देखें कि ऑफिसर का दस्तखत हैं कि नहीं, उस टाइम कार्ड की बेसिस पे जो पेरोल बनाया उसे देखें, उसे आप रिकम्प्यूट करें, चेक करें, कैलकुलेशन देखें, फिर आप पेरोल पे उसके दस्तखत देखें, फिर देखें बैंक से कितना पैसा निकलवाया गया है वो एग्जैक्टली है कि नहीं, यानी हर जहाँ भी वो एंट्री गई उसके बाद वो एंट्री ज़ाहिर है कि नॉमिनल लेजर में गई होगी तो नॉमिनल लेजर में देखें वो एंट्री सही है कि नहीं, यानी पूरी डिटेल के साथ ओरिजिन से लेके टर्मिनल तक। उसके बाद आप ये देखें कि जो वेजिस शीट पर दस्तखत हैं और जो HR डिपार्टमेंट या पर्सनल डिपार्टमेंट की फाइल में दस्तखत एम्प्लॉयज़ के वो सही हैं। अक्सर लोग चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, यार ये वही है ना अब्दुल कद्दूस, इसके बस इसको पेमेंट कर दो, चाहे अब्दुल कद्दूस का दस्तखत जो है वो रिकॉर्ड से मैच करते हैं कि नहीं। अगर वो मैच नहीं करते, आप उसको जानते भी हैं, उसके दस्तखत अगर मैच नहीं करते तो 4 महीने 6 महीने बाद वो क्लेम कर सकता है, जी मैंने तो पेमेंट ली नहीं है, अगर मैंने लिया तो मेरा दस्तखत दिखाइए। तो इससे बेहतर है कि कोई ये चेकिंग रेगुलरली की जाए। अब हम आते हैं रेंट एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस यानी किराए की पेमेंट। अगर आप कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ली हुई है, कोई फ्लैट, दफ्तर, मकान, फैक्ट्री, ज़मीन, तो उसकी जो पेमेंट है बाज़ औक़ात ये बहुत बड़ा ख़र्चा होता है।
اور یہ اہم خرچہ ہوتا ہے، لہٰذا مناسب احتیاط کی ضرورت ہے. تو آڈیٹر جو ہے پہلا قدم یہ اٹھائے گا کہ وہ ایک لسٹ کمپنی سے مانگے گا کہ آپ کی کمپنی نے جتنی بھی پراپرٹی رینٹ کی ہوئی ہے، لیز کی ہوئی ہے، اس کی آپ مجھے لسٹ دے دیں. لسٹ کے اندر یہ باتیں لکھی ہوں گی کہ کون سی پراپرٹی، پراپرٹی کی ڈیٹیل کیا ہے، مکان ہے، فلیٹ ہے، کتنا بڑا فلیٹ ہے، زمین ہے، کتنی بڑی زمین ہے، کیا پراپرٹی ہے، کس مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اس کا مالک کون ہے، اور رینٹ کیا ہے، کب دینا ہے، کتنا ہے، کس کس فریکوینسی سے دینا ہے، رینٹ میں کیا شامل ہے، کیا نہیں شامل ہے. یہ جب ڈاکومنٹس آپ لسٹ مل جائے تو پھر آپ ان سے کہیں کہ ان تمام کی مجھے لیز ڈاکومنٹس دکھائیں، یعنی رینٹل ایگریمنٹ دکھائیں. اس میں دیکھیں کہ جو رینٹل ایگریمنٹ ہے کسی مناسب آفیسر نے، آتھرائز آفیسر نے اس کو دستخط کیا. اب دیکھیے پراپرٹی رینٹ پہ لینا کوئی اتنی چھوٹی بات تو نہیں ہے کہ کلرک بھی کر لے، سینئر کسی بندے نے آتھرائز، جس کو جو کہ پروسیجر کے مطابق اس کو اتھارٹی ہو، اس نے دستخط کیا. پھر آپ لیز ایگریمنٹ میں یہ دیکھیں کہ رینٹ کا ریٹ کیا ہے اور وہ کب کب پے کرنا ہے. بعض اوقات رینٹ منتھلی پے کیا جاتا ہے، بعض اوقات کوارٹرلی پے کیا جاتا ہے، بعض اوقات اینولی پے کیا جاتا ہے، بعض اوقات سال کے شروع میں پے کیا جاتا ہے، بعض اوقات مہینہ گزرنے کے بعد پے کیا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ رینٹ ایگریمنٹ میں کیا لکھا ہوا ہے، تاکہ جب آپ ایکچوئل آڈیٹنگ کر رہے ہوں تو آپ دیکھیں کہ اسی کے مطابق پیمنٹ ہوئی ہے کہ نہیں. پھر ایک بات یہ بھی لیز ایگریمنٹ میں دیکھیں آپ کہ رینٹ کے علاوہ کوئی اور پیمنٹ تو نہیں کرنی. بعض اوقات پراپرٹی ٹیکس یا سٹی کونسل کے جو ریٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی ٹیننٹ کی ذمہ داری میں لکھے جاتے ہیں، بعض اوقات نہیں لکھے جاتے. بعض اوقات پراپرٹی کے اندر اگر بجلی وغیرہ لگی ہوئی ہے پہلے سے تو اس کا بل بعض اوقات لینڈلارڈ ادا کرتا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کمپنی نے جو ایگریمنٹ کیا ہے اس کے مطابق کمپنی کی ذمہ داریاں کیا ہیں، رینٹ کے علاوہ بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے، تاکہ اگر اس کی پیمنٹ ہوئی ہے تو آپ کو اس کی آڈیٹنگ کر سکیں. پھر ایز این آڈیٹر آپ نے اس بات کا تعین کرنا ہے کہ جو پراپرٹی کمپنی نے رینٹ کی ہے کیا وہ کمپنی کا مقاصد کے لیے ہی استعمال ہو رہی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ رینٹ تو کمپنی پے کر رہی ہے لیکن اس کا استعمال کوئی اور کر رہا ہے جس کا کہ کمپنی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. چند صورتوں میں جہاں پہ کہ کوئی پراپرٹی بڑی ہو یا اس کا رینٹ بہت زیادہ ہو تو یہ وائز ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ لینڈ لارڈ سے کنفرمیشن لیں، کنفرم کرے وہ ڈائریکٹ آڈیٹر کو کہ ہاں بھائی میں نے یہ پراپرٹی کمپنی کو اس کرائے پہ اتنے پیریڈ کے لیے دی ہوئی ہے. نیکسٹ اسٹیپ آڈیٹر کے لیے کہ جو رینٹ کی ایکچوئل پیمنٹ ہے ان پیمنٹس کو ویریفائی کریں، یعنی اس کا پیمنٹ واؤچر دیکھے پراپرلی آتھرائز ہے کہ نہیں، اس کا پیڈ واؤچر دیکھے پراپرلی آتھرائز ہے کہ نہیں، پھر دیکھے کہ کیش بک میں اس کی انٹری صحیح ہے کہ نہیں، اور پھر کیش بک سے نومینل لیجر یعنی رینٹ ایکسپنس جہاں ڈیبٹ ہوا ہے کہ نہیں، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ رینٹ ایکسپنس جو ہے وہ صحیح پیمنٹ ہوئی ہے. اب ہم آتے ہیں آڈیٹنگ آف یوٹیلیٹیز. یوٹیلیٹیز سے مراد ہے وہ سروسز جو کمپنی استعمال کرتی ہے، مثال کے طور پہ بجلی ہوئی، ٹیلی فون، پانی، گیس. تو ان مدوں میں جو پیمنٹس کی جاتی ہے اسے ہم یوٹیلیٹیز پیمنٹ کہتے ہیں. اب یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کسی نہ کسی ایگریمنٹ کے تحت کمپنی کو سپلائی کی جاتی ہیں، تو اس کا کوئی نہ کوئی کانٹریکٹ یا ایگریمنٹ ہوتا ہے. تو بطور آڈیٹر سب سے پہلے آپ ان کانٹریکٹس کی کاپی حاصل کریں، ان کی لسٹ لیں اور ان کو دیکھیں کیا وہ کانٹریکٹ پراپرلی آتھرائزڈ ہیں، یعنی وہ کانٹریکٹ جو ہے کمپنی کے کسی باضابطہ کسی بااختیار آفیسر نے سائن کیے ہیں، اور یہ کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ کمپنی کے کام کی ہیں، کمپنی کے استعمال کی ہے. بجلی جو ہے وہ کمپنی استعمال کر رہی ہے، یعنی یہ جو پانی کا کنیکشن ہے کمپنی کے استعمال میں ہو رہا ہے، یا گیس یا ٹیلی فون جو ہے وہ کمپنی کے استعمال میں ہے. کانٹریکٹس کو دیکھنے کے بعد آپ چند پیمنٹس کو سلیکٹ کریں ٹیسٹ چیک بیسس پہ، اور ان کو دیکھیں، اس کا بل دیکھیں، اس کو دیکھیں، اس کی ریکمپیوٹیشن کریں صحیح ہے کہ نہیں، اس بل کو کانٹریکٹ کے ساتھ کمپیئر کریں کہ کانٹریکٹ کے مطابق ہے کہ نہیں، اس کو کیش بک میں ٹریس کریں کہ انٹری اتنی ہی اماؤنٹ کی ہوئی ہے جتنی کہ پیمنٹ ہوئی ہے، اور اس کو پھر آپ نومینل لیجر میں یعنی جہاں پہ کہ ایکسپنس اکاؤنٹس رکھے جاتے ہیں اس میں دیکھیں کہ وہ انٹری اسی اماؤنٹ کی ہوئی ہے کہ نہیں. اس سے آپ جن چیزوں کا تعین کریں گے کہ وہ یوٹیلیٹیز ہیں کمپنی نے استعمال کی ہیں، پیمنٹ کا ریٹ جو ہے وہ صحیح ہے اور ایکچوئل پیمنٹ ہوئی ہے. اب ہم آتے ہیں ایک اور ایکسپنس کی طرف جسے ہم کہتے ہیں انشورنس پریمیم. سب سے پہلا قدم یہاں پہ یہی ہے کہ ساری انشورنس پالیسیز کی لسٹ حاصل کی جائے. بعض کمپنیاں جو ہیں وہ ایک انشورنس رجسٹر مینٹین کرتے ہیں جس میں کہ تمام انشورنس پالیسیز کی فائلز کی کاپی ہوتی ہے اور ایک لسٹنگ بھی ہوتی ہے کہ کون کون سی پالیسی جو ہے کس کس مقصد کے لیے کس کس سم انشورڈ یا کس کس پریمیم پہ حاصل کی گئی ہے. تو ایز این آڈیٹر سب سے پہلے یہ انشورنس رجسٹر آپ حاصل کریں اور اس کو چیک کریں، ویریفائی کریں، ان چیزوں کا خیال رکھیں. نمبر ایک کہ جو انشورنس پالیسیاں ہیں وہ کمپنی کی ضرورت کے مطابق ہیں اور جس حد تک ان کی ضرورت ہے اس حد کو کور کرتے ہیں. اب مثال کے طور پہ ایک پالیسی ہوتی ہے کیش ان
प्रीमिसेस कि आपकी प्रीमिसेस पे अगर कोई कैश पड़ा हुआ है और उसको कुछ हो जाए तो उसको वो कवर करती है। पहले तो आपने देखना है क्या कंपनी प्रीमिसेस पे कैश रखती है, अगर रखती है तो ठीक है, इस पॉलिसी की ज़रूरत है। कैश कहाँ रखा जाता है? सेफ में रखा जाता है। अगर पॉलिसी कहती है कि कैश सेफ में रखा हुआ है तो कवर्ड है, दराज में रखा हुआ है तो कवर्ड नहीं है, तो फिर ज़्यादा रेलेवेंट ना हुई, वो मकसद तो पूरा नहीं करता। इसी तरह अगर आपका एग्जामिनेशन ये शो करता है कि कंपनी में 2-3-4 लाख रुपया भी पड़ा रहता है किसी वक्त, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ अगर 1 लाख रुपए की है तो ज़ाहिर है इट इज़ नॉट एडिक्वेट। तो यह आपने देखना है बतौर एन ऑडिटर कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, एक तो वो रेलेवेंट है और दूसरे कि वो काफ़ी रकम की है। फिर आपने उन पॉलिसी से चेक करना है कि हर पॉलिसी का प्रीमियम रेट क्या है और प्रीमियम अमाउंट क्या, यानी जो प्रीमियम की अदायगी करनी है वो किस बेसिस पे कैलकुलेट की गई है और वो कितनी है। अगर पॉलिसियाँ मुख्तलिफ इंश्योरेंस कंपनी से हासिल की गई हैं या एक ही कंपनी से कोई काफ़ी तादाद में हासिल की गई हैं, तो डायरेक्ट कंफर्मेशन भी एक अच्छा ऑडिट टूल हो सकता है कि आप ऑडिट कंपनी से डायरेक्ट वेरीफाई करें कि क्या उन्होंने वाकई ये पॉलिसी इशू की है, क्या ये पॉलिसी बीच में कहीं कैंसिल तो नहीं कर दी गई, क्या ये पॉलिसी वैलिड है और इसका प्रीमियम वही है जो कि पे किया जा रहा है। अब आप आइए एक्चुअल ऑडिटिंग की तरफ। तो आप चंद एक्चुअल पेमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पिक करें टेस्ट चेक बेसिस पे और उनको डिटेल में ऑडिट करें, यानी उनका प्रीमियम रिकम्प्यूट करें कि वो पॉलिसी के मुताबिक है कि नहीं। आप देखें कि नो क्लेम बोनस अगर कोई था या नो क्लेम डिस्काउंट अगर था तो उसका इस फ़ायदा उठाया गया है। इंश्योरेंस प्रीमियम भी एक स्टेप में कैलकुलेट नहीं होता, 3-4 स्टेप्स होते हैं, तो उनकी आप रिकैलकुलेशन करें इन अकॉर्डिंग्स विद दी पॉलिसी कि वो सही हैं। फिर उस रकम को देखें कि पेमेंट वाउचर उतने ही का बना है, पेमेंट वाउचर जो प्रॉपर ऑफिसर ने ऑथोराइज किया था। फिर देखेंगे चेक उसी रकम का बना है, चेक भी किसी प्रॉपर ऑफिसर ने ऑथराइज किया था। फिर आप देखें कि कैश बुक में उतनी ही रकम की एंट्री है और ये है कि ये पूरी की पूरी रकम जो है इंश्योरेंस एक्सपेंस में डेबिट कर दी गई है, किसी और जगह तो डेबिट नहीं कर दी गई। अगर इंश्योरेंस को आप सही तरीके से डेबिट नहीं करेंगे तो प्रॉफिट लॉस में ऊपर नीचे हो सकता है। अब हम आते हैं एक और एक्सपेंस की किस्म जिसे हम कहते हैं कमीशंस। बाज़ औक़ात कंपनियाँ कमीशन पे करते हैं आउटसाइडर्स को भी और इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी, लेकिन ये तमाम कमीशन की पेमेंट चाहे वो किसी न किसी एग्रीमेंट या किसी न किसी माहदे या कॉन्ट्रैक्ट के तहत की जाती हैं। तो एज एन ऑडिटर आप ऐसे तमाम माहदों की कॉपी हासिल करें ताकि आपको पता हो कि कंपनी को कौन सा कमीशन अदा करने की जिम्मेदारी है और वो कमीशन किस बुनियाद पर पे किया जाएगा, किस मरहले पर पे किया जाएगा और कितना पे किया जाएगा। तो जब आपको एग्रीमेंट मिल जाए तो आप उनको डिटेल में देखें कि वो जो एग्रीमेंट्स हैं वो कंपनी के मकसद से रेलेवेंट है, यानी कमीशन जिस चीज़ का अदा किया जा रहा है उससे कंपनी को कोई फ़ायदा भी हुआ है और ये कि जो अदायगी की जा रही है वो एडोक्वेट है, वो उस मकसद जिस मकसद के लिए कंपनी अदायगी कर रही है उस मकसद के लिए काफ़ी है। फिर देखें कि कमीशन किस तरह कैलकुलेट किया जा रहा है, उसका रेट क्या है, उसका रकम कितनी है, और अगर कमीशन की रकम खासी बड़ी है या काफ़ी लोगों को पे की गई है तो इट इज़ हेल्पफुल कि आप चंद लोगों को डायरेक्ट कंफर्मेशन हासिल करें, चंद लोगों से डायरेक्ट कंफर्मेशन हासिल करें कि वाकई आपको फलानी तारीख को इतनी कमीशन की पेमेंट की गई थी। अब आइए एक्चुअल पेमेंट्स की तरफ। चंद पेमेंट्स को सेलेक्ट करें टेस्ट चेक बेसिस पे और उन्हें डिटेल में चेक करें, उनका कमीशन रेट रिकम्प्यूट करें एग्रीमेंट के मुताबिक है कि नहीं, उसका पेमेंट वाउचर देखें वो सही बना हुआ है, वो एग्रीमेंट के मुताबिक है, उसे प्रॉपर ऑफिसर ने ऑथराइज किया है, पेड चेक देखें वो सही बना हुआ है, उसे प्रॉपर ऑफिसर ने ऑथराइज किया है, बैंक स्टेटमेंट में डेबिट हुआ है, कैश बुक में एंटर हुआ है और नॉमिनल लेजर में सही कमीशन अकाउंट में वो डेबिट हुआ है। अब हम आते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस और बैंक चार्जेस की तरफ। इंटरेस्ट एक्सपेंस ज़ाहिर है कि बोरिंग्स पे किया जाता है, तो आप सबसे पहले एज एन ऑडिटर आपका काम होगा कि आप एक लिस्ट हासिल करें जिसमें कंपनी ने जितने भी लोन्स लिए हुए हैं, ज़ाहिर है लोन्स किसी एग्रीमेंट के तहत लिए गए होंगे, तो उन एग्रीमेंट्स की लिस्ट हासिल करें और उन एग्रीमेंट्स को चेक करें क्या वो लोन कंपनी के काम के लिए लिए गए हैं और जिस मकसद के लिए लिए गए हैं क्या उस मकसद के लिए काफ़ी हैं, इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो सही हैं, एग्रीमेंट में जो हैं वो कितने हैं, मुनासिब हैं, कब कब पेमेंट होनी है और किस रकम की पेमेंट होनी है, और जहां पे इंटरेस्ट के अमाउंट बहुत बड़ी है या काफ़ी लोगों को पेमेंट की गई है तो वहाँ पर इट इज़ वाइज कि आप बैंकों से या जिसने भी लोन दिया हुआ उसे डायरेक्ट कन्फर्मेशन हासिल करें कि आपको इतनी इंटरेस्ट की पेमेंट फलानी तारीख को हुई थी कि नहीं। इसी तरह चंद इंटरेस्ट पेमेंट्स को आप पिक करें टेस्ट चेक बेसिस पे और उन्हें डिटेल में चेक करें, इंटरेस्ट को रिकैलकुलेट करें एज एन ऑडिटर, रिकैलकुलेट करें बैंक चार्जेस जो हैं उसको रिकैलकुलेट करें, उसे आप पेमेंट वाउचर में देखें या अगर वो डायरेक्ट डेबिट हुए हैं बैंक स्टेटमेंट में तो बैंक स्टेटमेंट में देखें, अगर वो चेक से पे हुए हैं तो चेक देखें कि प्रॉपरली प्रिपेयर हुआ था, उसको प्रॉपरली ऑथराइज किया गया था।
अगर वो डायरेक्ट डेबिट है बैंक स्टेटमेंट में, तो आप देखें कि बैंक को ये डेबिट करने की अथॉरिटी है, यानी एग्रीमेंट के मुताबिक बैंक को ये डायरेक्ट डेबिट की अथॉरिटी है। फिर आप बैंक स्टेटमेंट में ट्रेस करें, कैश बुक में देखें और इंटरेस्ट एक्सपेंस इन लेजर देखें, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इंटरेस्ट एक्सपेंस सही हुआ है कि नहीं। अब हम आते हैं बैड डेट्स की तरफ। ना, बैड डेट्स का मतलब है कि कंपनी को कोई रकम काबिल अदा थी लेकिन अब लगता है कि वो वसूल नहीं होगी, तो कंपनी मुनासिब इकदाम के बाद जब उनको यकीन हो जाता है कि ये पैसे अब नहीं मिल सकते या ये पैसे इतने थोड़े हैं कि इनको चेस करने में ज़्यादा खर्च हो जाएगा, तो कंपनी उनको राइट ऑफ कर देती है। अब ये ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत ज़्यादा तादाद में होती हो या बहुत फ्रीक्वेंटली होती हो, तो चूँकि ये कम होती है तादाद में, लिहाजा इसकी, और लेकिन बाज़ औक़ात अगर चाहे तादाद इनकी कम होती है लेकिन अमाउंट्स बड़े भी हो सकते हैं, तो इसके लिए एडवाइजेबल यही है, मशवरा यही है कि इन तमाम बैड डेट राइट ऑफ को 100% बेसिस पे ऑडिट किया जाए, टेस्ट चेक बेसिस पे नहीं, बल्कि तमाम राइट ऑफ्स को डिटेल में ऑडिट किया जाए। सबसे पहले तो आप प्रोसीजर देखें कि कंपनी में बैड डेट राइट ऑफ करने का प्रोसीजर क्या है, क्या वो प्रोसीजर सही है। अब ज़ाहिर है कि बैड डेट राइट ऑफ करना इतना सेंसिटिव काम है कि किसी छोटे मोटे ऑफिसर को तो उसकी अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि किसी एक ऑफिसर को उसकी अथॉरिटी होनी चाहिए, बल्कि कोई कमेटी या बड़ी सीनियर लेवल के बंदे मिल के इस पर फैसला करते हैं कि इसको राइट ऑफ कर दिया जाए। तो आप पहले प्रोसीजर देखें कि क्या है, वो प्रोसीजर मुनासिब है कि नहीं है, और फिर जो भी राइट ऑफ किया गया, ईच राइट ऑफ के बारे में आप देखें कि हर राइट ऑफ की रिटन अप्रूवल मौजूद है ऑथराइज्ड ऑफिसर्स से। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि एक बंदे को नॉर्मली अथॉरिटी नहीं दी जाती, तो दो तीन बंदों ने कि अगर जॉइंट अथॉरिटी है तो उन सबका दस्तखत मौजूद हों, और फिर इस एंट्री को आप डेटर्स लेजर में देखें और नॉमिनल लेजर में देखें कि ये एंट्री सही डेबिट हुई है, यानी डेटर्स लेजर से वो निकाल दी गई है, नॉमिनल लेजर यानी बैड डेट एक्सपेंस में वो डेबिट कर दी गई है। अब हम आते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो फिक्स एसेट्स से रिलेटेड होता है। फिक्स एसेट्स को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एक सेपरेट लेक्चर में। फिक्स्ड एसेट्स शेड्यूल आप हासिल कीजिए जिसमें कि तमाम फिक्स एसेट्स की डिटेल है, उन कब खरीदी गई थी, उनके क्या रेट है, डेप्रिसिएशन रेट क्या है और बेसिस ऑफ कैलकुलेशन क्या है, वो आप चेक कर लें, और फिर देखेंगे अगर साल के दौरान कोई एसेट्स खरीदी गई हैं या बेची गई हैं तो ज़ाहिर उन पर डेप्रिसिएशन का इफेक्ट पड़ेगा, तो उसके आप चेक कर लें। जो एक्चुअल डेप्रिसिएशन किताबों में डेबिट की गई है, बुक की गई है, उसको आप रिकम्प्यूट करें, एज एन ऑडिटर आप रिकम्प्यूट करें और प्रोविजंस को डिटेल में चेक करें कि वो वही हैं जो फिक्स एसेट रजिस्टर में हैं, जो फिक्स एसेट शेड्यूल में हैं, जो डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट की गई हैं, और जो फिक्स एसेट्स की इंडिविजुअल एसेट्स अकाउंट को या उनके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट की गई हैं। फिर ये भी देखें कि रेट की और अमाउंट की किसी प्रॉपर मजाज ऑफिसर ने ऑथराइजेशन दी है, ये नहीं है कि कोई जूनियर क्लर्क जो है वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके और प्रोवाइड कर रहा है, और ये डेप्रिसिएशन की एंट्री फिक्स एसेट्स और नॉमिनल लेजर दोनों में ट्रेस करें। अब हम आते हैं इनकम्स पे। अगर इन एक्सपेंसेस के अलावा कोई एक्सपेंसेस हैं तो उन पर बुनियादी असूल ऑडिटिंग के वही होते हैं, अप्लाई करते हैं जो कि हमने कवर किए। इनकम्स को हम चार बड़ी इनकम्स के बारे में बात करेंगे, रेंट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम और कमीशन इनकम। रेंट इनकम के बारे में आप इंटरनल कंट्रोल के जो इकदाम करेंगे वो ये है कि जहाँ कंपनी को कोई रेंट की इनकम, मतलब कंपनी के पास काफ़ी प्रॉपर्टी है जहाँ से आती है, तो बेहतर ये है कि उसके लिए एक रेंट रजिस्टर या रेंट इनकम रजिस्टर रखा जाए। तमाम रेंट एग्रीमेंट्स जो हैं वो राइटिंग में होने चाहिए, रेंट रजिस्टर में तमाम तफसीलात होने चाहिए, और एक रिटन डाउन प्रोसीजर होना चाहिए कि कोई अगर बंदा वक्त पे रेंट पेमेंट नहीं करे तो उसको कैसे फॉलोअप करना है, किस की जिम्मेदारी है, आप कुछ पेनल्टी चार्ज करते हैं कि नहीं करते हैं या क्या करते हैं, और ये कि जो रेंटेड प्रीमिसेस हैं अगर वो काफ़ी तादाद में तो उनको रेगुलरली इंस्पेक्ट करते रहना चाहिए कि ऐसा ना हो कि उन प्रॉपर्टीज़ को डैमेज हो रहा हो या नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँच रहा हो। ऑडिटिंग के हवाले से सबसे पहले एज एन ऑडिटर आप तमाम रेंट एग्रीमेंट्स को चेक करेंगे, रेंट रजिस्टर देखेंगे और इंडिविजुअल एंट्रीज़ को रेंट एग्रीमेंट के साथ कंपेयर करेंगे कि रेंट रजिस्टर में जो एंट्रीज़ हैं वो रेंट एग्रीमेंट्स के मुताबिक है। रेंट एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि रेंट क्वार्टरली पे होगा तो रेंट रजिस्टर में भी यही होना चाहिए, अगर वहाँ लिखा हुआ है रेंट 25,000 है तो रेंट रजिस्टर में भी वही होना चाहिए। फिर आपने किसी भी पीरियड की इनकम को रिलेट करने, मिसाल के तौर पर किसी एरिया किसी महीने में टोटल रेंट इनकम इतनी हुई तो आपने देखना है कि रेंट रजिस्टर के हिसाब से वो रकम मुनासिब है कि नहीं है। इसी तरह आपने ईच प्रॉपर्टी को देखना है कि इससे जो टोटल इनकम अकाउंट में क्रेडिट हुई है, जितने अरसा वो प्रॉपर्टी रेंट आउट रही है उससे वो मुताबिकत रखती है कि नहीं, उसका नहीं। ये तो नहीं कि प्रॉपर्टी सारा साल रेंट आउट रही है लेकिन इनकम सिर्फ 6 महीने की क्रेडिट की गई है। जो भी अनलेट पीरियड्स हैं, अब ये तो नहीं होता कि सारा साल सारी प्रॉपर्टीज लेट आउट रहें, तो कुछ अनलेट पीरियड्स होते हैं, कुछ ऐसा
अरसा होता है जिसमें कि प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं की गई थी, उसको आप इन्वेस्टिगेट करें, क्या वो वाकया ही अनलेट थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लेट तो थी लेकिन उसका रेंट वसूल भी हुआ लेकिन कंपनी के खाते में नहीं आया। तो एज एन ऑडिटर आपको चेक करना है। उसका चेक करने का तरीका क्या होगा, रेंट रजिस्टर और एक्चुअल फिजिकल रजिस्टर जहाँ पे के प्रॉपर्टी की मूवमेंट रिकॉर्ड की जाती है, फिर जो एक्चुअल रिसिप्ट्स हुई हैं उनको आप कैश बुक में चेक करें, बैंक स्टेटमेंट में चेक करें, और नॉमिनल लेजर में जहाँ पे के रेंट इनकम अकाउंट है उसमें चेक करें कि क्रेडिट किया गया है कि नहीं। इन्वेस्टमेंट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम जो आपके पास कुछ शेयर्स या बॉन्ड्स इस तरह के कोई इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे कोई इनकम होती है, या अगर आपने बैंक में कोई डिपॉजिट रखवाया हुआ है उससे जो इनकम होती है उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम। इसका भी बेहतरीन तरीका ये कि अगर आपकी काफ़ी इन्वेस्टमेंट इनकम्स है, ये नहीं कि कोई एक आध डिपॉजिट है बल्कि आपके काफ़ी डिपॉजिट्स हैं या काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो बेस्ट ये है कि कंपनी एक इन्वेस्टमेंट रजिस्टर मेंटेन करें जिसमें तमाम इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की लिस्टिंग हो, उनकी ड्यूरेशन, उनका इंटरेस्ट पीरियड, फ्रीक्वेंसी वगैरह रिकॉर्डेड हो। तो एज एन ऑडिटर आप उस इन्वेस्टमेंट रजिस्टर को चेक करें, फिर आप किसी चंद इन्वेस्टमेंट्स को पिक करें और टच चेक बेसिस, और उन चंद इन्वेस्टमेंट्स को डिटेल में ऑडिट करें, उनकी इनकम आप रिकम्प्यूट करें, खुद कैलकुलेट करें कि वो इनकम बेसिस सही है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रूमेंट, मतलब अगर वो डिपॉजिट है तो जो डिपॉजिट का सर्टिफिकेट का उसमें जो इंटरेस्ट रेट दिया गया उसी रेट पे कंप्यूट करें, फिर आप बेसिस ऑफ कंप्यूटेशन को वेरीफाई करें, देखें कि वो रीजनेबल है इन हालात के मुताबिक, फिर आप देखें कि वो एक्चुअल रिसीव हुई है कि नहीं, कैश बुक को वेरीफाई करें और नॉमिनल लेजर में देखें। फिर आप एक ख़ास अहम बात जो आपने देखनी है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इनकम एक्रू तो हो जाती है, आप अर्न तो कर लेते हैं लेकिन वसूल नहीं होती। मिसाल के तौर पर आपने नवंबर में छः महीने के डिपॉजिट के लिए, छः महीने के पीरियड के लिए बैंक डिपॉजिट रखवाया, अब आपको उसका इंटरेस्ट तो अगले महीने, अगले साल अप्रैल में मिलेगा, लेकिन नवंबर और दिसंबर दो महीने अगर गुजर जाएं तो जब साल ख़त्म होता है दिसंबर में तो दो महीने की इनकम तो अर्न कर ली गई होगी, तो उसकी अक्रूवल की एंट्री जो है आपको करनी चाहिए। अब ये बात आपको इन्वेस्टमेंट रजिस्टर से पता चल जाएगी और उस इंस्ट्रूमेंट से यानी जो डिपॉजिट सर्टिफिकेट है उससे पता चल जाएगी कि ये इनकम अक्रू होनी चाहिए, और आपने ये देखना है कि ये इनकम किताबों में ली गई है कि नहीं। अगर इस तरह की इनकम किताबों में नहीं ली गई तो ज़ाहिर है कि प्रॉफिट अंडरस्टेट किया जाता है, बाज़ औक़ात कंपनीज़ दानिस्ता अंडरस्टेट करती हैं प्रॉफिट और इस तरह के तरीके इस्तेमाल करती हैं। अगर काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं तो इट इज़ ऑलवेज़ हेल्पफुल, इट इज़ ऑलवेज़ वाइज कि आप डायरेक्ट कंफर्मेशन लें। अगर आपके पास कंपनी ने बैंक में पैसे रखे हुए हैं तो उस बैंक से डायरेक्ट कंफर्मेशन लें कि आपके पास ये डिपॉजिट है कि नहीं। अगर आपके पास किसी और कंपनी का बॉन्ड है या टी एफ सी या कोई डिबेंचर्स हैं तो उन कंपनी से आप डायरेक्ट कंफर्मेशन लें कि वाकई उस कंपनी ने वो इंस्ट्रूमेंट इशू किया है। इंटरेस्ट इनकम, ये इन्वेस्टमेंट इनकम ही की एक ऑफशूट है, जो आपने डिपॉजिट्स किए हुए हैं उनके डॉक्यूमेंट्स हासिल कीजिए, देखिए कि वो इंटरेस्ट रेट्स जो हैं रीजनेबल हैं, बेसिस ऑफ कैलकुलेशन रीजनेबल हैं। देखिए 1% पर मंथ इज़ नॉट द सेम थिंग एज 12% पर एनम, इसी तरह 3% पर क्वार्टर इज़ नॉट द सेम थिंग एज 12% पर एनम, तो फ्रीक्वेंसी वगैरह से फ़र्क पड़ता है। तो ऑडिटर ने ये देखना है कि ये चीज़ें मुनासिब हैं उन हालात के मुताबिक जिस हालात में ये डिपॉजिट किया गया था, जो एक्चुअल इनकम रिसीव हुई है उसका आप अमाउंट रिकम्प्यूट करें, उसे कैश बुक में ट्रेस करें और उसे नॉमिनल लेजर में ट्रेस करें। इसी तरह अगर कोई इनकम अर्न कर ली गई है लेकिन वसूल नहीं हुई, और अगर कंपनी ने अपनी किताबों में कोई अक्रूवल शो की है तो उसको ऑडिटर को चाहिए कि डिटेल में चेक करे कि कहीं ये अक्रूवल जो है दानिस्ता ज़्यादा तो नहीं की गई, या दानिस्ता तौर पे किसी अक्रूवल को छोड़ तो नहीं दिया गया, तो ये ऑडिटर को चेक करना चाहिए। इसी तरह जहाँ पे ज़्यादा डिपॉजिट हों तो डायरेक्ट कन्फर्मेशन इज़ ऑलवेज हेल्पफुल। थैंक यू वेरी मच। आज हम एक्सपेंसेस और इनकम के ऑडिट के इख्तिताम को पहुंचते हैं। खुदा हाफिज़।